वेलकम फ्रेंड्स, मैं सुनील स्वामी आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल स्वामी कंप्यूटर्स के ऊपर। आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं जिसमें आपको बूटिंग स्क्रीन का जो लोगो है विंडोज की बूटिंग स्क्रीन का लोगो आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको swamicomputers.com साइट को खोलना है, उसके अंदर एक लेफ्ट या राइट साइड में एडवांस सॉफ्टवेयर नाम की कैटेगरी है, उसको चूज करना है। उसके अंदर चूज करने के बाद आपको डाउनलोड किया करके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी जो विंडोज है, पहले ध्यान देना है कि आपकी विंडोज जो है ये किस विंडोज में चेंज होगा लोगो, ये सॉफ्टवेयर जो है किस किन विंडोज को चेंज करने के लिए यूज होता है। ये सिर्फ UEFI बेस्ड विंडोज जो होती है उसको उसका लोगो चेंज करने के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज होगा। UEFI, अब आपको बता देता हूँ UEFI होता क्या है। UEFI जो विंडोज इंस्टॉल होती है वो ज्यादातर HP लैपटॉप या जितने ब्रांडेड लैपटॉप आते हैं उसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड जो विंडोज आती है उसको UEFI मोड बोलते हैं, या फिर कई बार हम खुद भी इंस्टॉल कर लेते हैं UEFI बेस्ड, जिसके अंदर आपको स्टार्टिंग पे लोगो ना दिखाई दे, सीधा अपने कंपनी का मदरबोर्ड का नाम, अपने किसी भी फर्म का नाम दिखाई दे, उसके नीचे लोडिंग स्क्रीन चल रही हो तो उसको UEFI विंडो बोलेंगे। और जिस विंडो के ऊपर लोगो बना हो विंडो का वो लेजेसी मोडेड विंडो होती है ज्यादातर। तो आपको उसमें चेंज कैसे करना है, आपको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर को आप, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कर लिया है, इसमें एक फाइल है splash.bmp, इस पर राइट क्लिक करना है और उसको एडिट करना है। एडिट करने के लिए आपको सिर्फ उस पर राइट क्लिक करना है, उसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद इसमें आप जो ईमेल लगाना चाहें, जो टेक्स्ट लिखना चाहें, इसको डिलीट करके आप लिख लीजिए और वो आपका 100% उसमें वैलिड होगा। जैसे कि मैं इसमें फोटो लगाने जा रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ फोटो आप कैसे यूज करोगे इसके अंदर। आपको करना क्या है, सिंपली आपको जो आपकी फोटोग्राफ है या फिर आपका जो भी आप उसमें यूज करना चाहते हो, सिंपली मैंने उसको पिक किया, पिक करके मैं इसमें जाकर पेस्ट कर दूंगा और मैंने अपना जो लोगो है यहाँ पे ये मैंने सेट कर दिया। जैसे मैं चाहता हूँ ये मेरा लोगो जो है बूट हो जाए, तो यहाँ ऐसे आपने सेट करना है। इसके बाद आपने इस फाइल को सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपकी जो फाइल है ये सेव हो जाएगी उसी फोल्डर में, एग्जिस्टिंग फोल्डर में सेव होनी चाहिए जो फोल्डर आपका सॉफ्टवेयर का है। जैसे इस फाइल को आप एक बार ओपन करके देख लेंगे आप कि ये करेक्टली एडिट हुई है या नहीं हुई है, जैसे कि ये प्रॉपरली एडिट हो चुकी है। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके अंदर एक सेटअप नाम की फाइल है, उस फाइल को आपने रन करना है। उस फाइल को रन करने के बाद आपको एक या दो सेकंड वेट करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगी चूज एक्शन, इसके अंदर आई का बटन प्रेस करेंगे तो आपका ये जो है इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि ये एक टेक्स्ट फाइल जो ओपन हो गई है, इसके अंदर आपको पाथ वगैरह की जानकारी दे देंगे, इसको क्लोज कर दो आप और आपका जो ये लोगो फोटो बाद में ओपन हो जाएगी। ये लिखा आ गया आपका जो ये सॉफ्टवेयर है नाउ इंस्टॉल्ड, प्रेस एनी की टू क्वाइट, मैंने क्वाइट कर दिया इसको। जो ये आपका सॉफ्टवेयर है ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। तो इस तरीके से आपको ये सिंपली जो है इंस्टॉल कर लेना है अपना सॉफ्टवेयर, और ये आपका उसके बाद आपका जो ये कमांड है ये प्रॉपरली वर्क करेगा और आपका जो रीस्टार्ट करने के बाद आपका जो लोगो है वो चेंज हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर कोई आपको इसकी रिगार्डिंग कोई क्यूरी होती है या फिर आप मेरे को डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, मैंने अपना नंबर वीडियो में दिया हुआ है, स्टार्टिंग इंट्रो वीडियो में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए और मैं ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे, बाय।